students, it is a fifth lesson, The Summit Within, and it is written by Major H.P.S. Albania. Okay? तो students, आपने first video में देखा होगा कि जो Major Albania ने बताया अपनी चढ़ाई के बारे में और किस तरीके से उनके अंदर एक बहुत बड़ी इमोशन अंदर आ गई थी, वो थी humility की, विनम्रता की. जिस समय वो शिखर पर खड़े हुए तो उनके अंदर बहुत विनम्रता आ गई थी, इस तरह से उन्होंने बताया. नेक्स्ट पैराग्राफ, एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे मेजर आलूवालिया कि जैसे मैं पीछे मुड़कर देखता हूं आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के बाद जैसे मैं पीछे मुड़कर के देखता हूँ यानी कि पीछे की लाइफ के बारे में देखता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट. तो जो दूसरी चोटी है, एक दूसरी समिट भी है, दूसरी चोटी भी है, उसके बारे में रिमार्क किए बिना मैं नहीं रह पाता. यानी कि एक शिखर तो वो था जो मैंने विजय हासिल कर ली थी, जीत लिया था, और एक शिखर और है जिसके बारे में मैं रिमार्क किए बिना नहीं रह पाता हूँ. वो क्या है, समिट ऑफ द माइंड. वो दूसरी चोटी क्या है, समिट ऑफ द माइंड, एक माइंड की चोटी होती है, एक अलग से माइंड का भी शिखर होता है. नो लेस फॉर्मिडेबल, क्या कह रहा है कि ये भी कम मुश्किल नहीं है, ये भी फॉर्मिडेबल नहीं है, ये भी कम मुश्किल नहीं है. एंड नो इजर टू क्लाइम, और इस पे चढ़ना या इस पे विजय हासिल करना आसान काम नहीं है. जो माइंड की चोटी होती है, जो माइंड की समिट होती है, उस पे विजय प्राप्त करना इजी नहीं है, आसान नहीं है. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, तो कह रहे कि समिट से उतरने के बाद, उस चोटी से नीचे आने के बाद, वंस द फिजिकल एग्जर्शन हैड गोन, जो फिजिकल एग्जर्शन थी वो एक बार खत्म हो गई, मिट गई, यानी कि थकावट खत्म हो गई. आई बिगेन आस्किंग माइसेल्फ द क्वेश्चन व्हाई हैड आई क्लाइंब एवरेस्ट. तो मैं अपने से ही, स्वयं से ही क्वेश्चन पूछने लगा कि मैं माउंटेन पर क्यों चढ़ा, यानी कि एवरेस्ट पर क्लाइंब मैंने क्यों की, क्यों चढ़ाई की मैंने एवरेस्ट पर. व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माय इमेजिनेशन, और इस तरह की जो ये कल्पनाएं थी मेरे अंदर इतनी क्यों छाई हुई थी ये सारी इमेजिनेशन. व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, यानी कि समिट पर चढ़ाई करने का, यानी कि चोटी पर पहुंचने की, ये जो मेरे अंदर इमेजिनेशन थी, ये जो कल्पनाएं थी, ये इतनी क्यों छाई हुई थी, क्यों होल्ड किया हुआ था उन्होंने मेरे अंदर इतना. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और अब तो ये ऑलरेडी एक पास्ट की बात हो गई, यानी कि समय बीत गया, मेरे अंदर इमेजिनेशन थी, यानी कि मेरे अंदर इच्छा थी जाने की, मैं पहाड़ पर चढ़ गया, अब तो ये सारी बातें क्या हो गई, पास्ट की हो गई, बीते हुए टाइम की हो गई. समथिंग डन यस्टरडे, जो कि कल खत्म हो गया, यानी कि अब तो मैं विजय प्राप्त कर चुका, यानी कि अब तो मैं चढ़ाई कर चुका. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो क्या कह रहा है, विद एवरी पासिंग डे, यानी कि अब तो हर दिन गुजरने के साथ साथ, यानी कि जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, अब ये मुझसे और दूर होता चला जाएगा. क्या दूर होता चला जाएगा, जो एवरेस्ट पर चढ़ाई की, भाई जैसे ही टाइम बीतता चला जाएगा वो भी दूर होता चला जाएगा. एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो क्या कहते हैं राइटर, तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, फिर मेरे पास बचेगा क्या. वुड माई मेमोरीज फेड अवे स्लोली, वुड माई मेमोरी फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो मेमोरी है ये धीरे धीरे धुंधलाती चली जाएंगी, यानी कि ये भी खत्म होती चली जाएंगी, हल्की पड़ती चली जाएंगी. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अब ये सारे thoughts जो आते हैं मेरे mind में आ रहे हैं, ये से एक question उठता है, as to why people climb mountains, कि लोग माउंटेन पर चढ़ते क्यों हैं? अब जो मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आता है कि लोग चढ़ाई करते ही क्यों हैं? माउंटेन पर चढ़ते ही क्यों हैं? इट इज नॉट इजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर देना कोई आसान काम नहीं है, इजी वर्क नहीं है, इट इज नॉट अ इजी वर्क.
सिंपलेस्ट आंसर वुड बी। अब इसका जो सबसे सिंपल आंसर हो सकता है, सबसे सरल आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है? एज अदर हैव सेड, जैसा कि दूसरे लोग भी कहते हैं। क्या? बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि वे वहां है। क्या? माउंटेन्स। भाई उनके मन में क्वेश्चन आया कि लोग माउंटेन पर चढ़ते क्यों है, तो एक सिंपलेस्ट आंसर हो सकता है, इट मे बी कि भाई क्योंकि वे माउंटेन वहां पर है, बिकॉज इट इज देयर, इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये बड़ी डिफिकल्टीज को पेश करता है, बहुत डिफिकल्टीज आती है, बहुत डिफिकल्टीज को पेश करता है। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल। अब जो ये मैन होता है, पर्सन होता है, आदमी होता है, इसके अंदर एक बहुत क्या, इसके अंदर एक डिलाइट होती है, खुशी होती है जब ये किसी बाधा पे विजय प्राप्त करता है। ऑब्स्टेकल से मतलब जब किसी मुश्किलों का सामना करता है, उन मुश्किलों को जीतता है, उन मुश्किलों को फेस करता है, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। अब ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जब माउंटेन पे चलते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स कौन सी होती है ज्यादातर, बाधाएं कौन सी होती है, फिजिकल ज्यादा होती है, शारीरिक रूप से ज्यादा होती है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्यूरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। अब किसी चोटी पे चलना, किसी पहाड़ पे चढ़ने का अर्थ है, उसका मतलब है एंड्यूरेंस में सहन शक्ति, परसिस्टेंस में दृढ़ता, और विल पावर आत्मबल। यानी कि थ्री मेन क्वालिटीज हैं जो उस क्लाइंबर्स के अंदर होनी चाहिए, या इसका अर्थ है कि अगर कोई वहां पे चढ़ रहा है तो उसके अंदर ये थ्री क्वालिटीज हैं, ये थ्री फिजिकल क्वालिटीज उसके अंदर है। कौन सी है? एंड्यूरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। यानी कि क्या है? सहन शक्ति, दृढ़ता और आत्मबल। द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्जिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। क्या कहें? द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज। अब इन फिजिकल क्वालिटीज का डिमोन्स्ट्रेशन करना, यानी कि प्रदर्शन करना, कौन सी फिजिकल क्वालिटीज है? थ्री जो थी अभी मैंने आपको बताई, एंड्यूरेंस, परसिस्टेंस और विल पावर। तो इन क्वालिटीज का डिमोन्स्ट्रेशन करना, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बड़ा एक्जिलरेटिंग होता है, यानी कि वेरी एक्साइटिंग होता है ये, यानी कि बड़ी खुशी मिलती है इससे, बड़ा रोमांचक होता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं, जो मेजर आलूवालिया है, कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मुझे भी ऐसी ही खुशी मिली, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू वेरी मच। Remaining part of this lesson will be covered in our next video.